कहता ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बासे बादल मौत। अब मेरे अजीज ईमान ये है कि तू अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह को एक माने और फरिश्तों पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर और मौत के बाद जिंदा होने पर तू ईमान लाए। इस्लाम है ज़ाहरी अमाल और अकीदा है ईमान। इस्लाम ज़ाहरी चीज़ों का नाम है और ईमान अकीदे का नाम। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब सलामती और लफ्ज़ ईमान में अमन का मतलब है। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। हमारा ज़ाहरी मज़हब सलामती, हमारा अंदर का मज़हब अकीदा अमन। तो वो मुसलमान ही क्या जो औरों को दुख पहुंचा रहा हो, गालियां दे रहा हो, तकलीफ़ें पहुंचा रहा हो, सूद खा रहा हो, बुराइयों में मुबतला हो। अमन और सलामती का नाम है मुसलमान, जो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अमन और सलामती बनता है। तो कहता ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बासे बादल मौत। अब मेरे अजीज ईमान ये है कि तू अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह को एक माने और फरिश्तों पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर और मौत के बाद जिंदा होने पर तू ईमान लाए कि मौत के बाद एक जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि मर गया और मिट्टी हो गया, बल्कि मौत के बाद एक जिंदगी है जिसमें अल्लाह ताला हमारे अमाल के मुताबिक फैसला करने वाले हैं। ये अंदर की एक कैफियत है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके नबियों को मानता हूँ, उनकी किताबों को। अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? अल्लाह के आगे सर झुकाता हूँ। नबियों को मानने का मतलब क्या है? उनकी सीरत को, उनकी जिंदगी को फॉलो करता हूँ। फरिश्तों को मानने का मतलब क्या है? कि सारा गैबी निज़ाम मेरे अल्लाह की ताकत से चल रहा है, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिधर चाहे मोड़ दे, जिस तरफ चाहे मोड़ दे। किताबों पर ईमान लाने का मतलब क्या है? कि जो उसकी तालीम है वो उसको मैंने फॉलो करना है। और आखिरत पर ईमान लाने का मतलब क्या है? कि दुनिया एक गुजरगाह है, इसके धोखे में आकर मैंने उस ज़िंदगी को नहीं भूलना। मैं वो करूँगा जो मौत के बाद मेरी अबदी हमेशा की ज़िंदगी में काम आए। फिर वो सवाल करता है, अब दूसरी हदीस में चले जाएं। वही सहाबी आखिरी हज के मौके पर पूछता है या रसूलुल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? अब पहली हदीस में आप अकीदे को बता रहे हैं, इस हदीस में उस अकीदे का फ्रूट क्या है जिसके अंदर ये पांच चीजें गड़ी होंगी ना, वो क्या करेगा कि पता चले कि हाँ ये तो ईमान वाला है। वो कहता है या रसूलुल्लाह ईमान क्या है? तो आपने कहा अस्सब्र वस्समाहा। ईमान है सुभान अल्लाह सब्र करना, माफ करना। अल्लाह अकबर। हमारे माशरे में माफी है ही कोई ना, माफी है ना सब्र है। रद्द अमल है, इंतकाम लेना है। और मेरा अल्लाह मेरे नबी फरमा रहे ईमान किसे कहते हैं? तो किताबें लिख दे, बुखारी शरीफ याद कर ले, नहीं। ईमान क्या है? सब्र करना, माफ करना, सब्र करना,